आपके पास एल्को सेंटर में चेक कराने के लिए। मेरा नाम बाबू मिस्त्री, नवाब शहर से ताल्लुकात रखता हूँ। मैंने अल्कोहल पीने से मेरी नज़र नाबीना हो गई थी। मैंने आज चेक कराया, बहुत डॉक्टरों को चेक कराया नवाब शाह में, मैंने देखने हॉस्पिटल नवाब शाह में चेक कराया, प्राइवेट डॉक्टरों को चेक कराया, इधर आया मेरे को मुतमिन हुआ। इस बात से मुतमिन हुआ, मेरे को बहुत इखलाक से तबीज से इतना मुतमिन किया जिसका कोई अंदाज़ा नहीं। इन्होंने बोला तुम्हारी लाइट कोई डैमेज जो जल गई है जिसकी वजह से कोई ड्राफ्ट लिख के दे रहे हैं, अल्लाह ताला जजाक अल्लाह, इन का सेंटर चलता रहे, डॉक्टर साहब को अल्लाह ताला सेहत अता फरमाए, इसमें कोई शक नहीं है। ये सेंटर खुला है, डॉक्टर साहब आते हैं बहुत तसली से, आमान से, माना जितनी मुतमिन से आदमी को तसली बख्श देते हैं, ताकि इलाज करने से पहले उनका इखलाक इतना है जो आदमी का दिल का ऑटोमेटिक आखिर नूर नूर अल्लाह की जात देने वाली है। बंदे का दिल मुतमिन होता है, खुराक किसी भी चीज़ की है, दवा दवा दुआ करते हैं, डॉक्टर साहब खुद दुआ भी लिख के देते थे, डॉक्टर बोलते हैं जिक्र इलाही करो। इसकी वजह से मैं भाई को आया हूँ, जो कुछ हो सकता है किसी जगह पे भी मेरी वीडियो शेयर हो रही है, जो कुछ हो सकता है, तो किधर मदद होती है या किधर इलाज होता है, फी सबिल्ला। मैं मैकेनिक हूँ, जनरेटर का, मैं घर पे हूँ। मेरा नाम बाबू बलोच है, नंबर 0300321523 4 ये नंबर है मेरा। आसिफ रशीद भट्टी साहब लेके आए थे, शायद आगा लेके आए थे, ये लोग भाई मेरे को लेके आए, जो आपसे कोई मदद, डॉक्टर रियाज साहब ने मेरे को दिखाया, उन्होंने दूसरे भाई का, डॉक्टर साहब का उनका नाम भूल गया तो मैं देख तो नहीं सकता, तो ये मेरा पैगाम है पूरी कौम को। रेटिनल सर्जरी में टाइम जो है वो बहुत क्रूशियल होता है। डिटैचमेंट के फौरन बाद कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 दिन के अंदर अंदर इसका ऑपरेशन हो जाना चाहिए, तब अच्छे रिजल्ट्स हैं उनकी उम्मीद रखी जा सकती है, वगरना हर रोज़ गुजरने पे एक लाइन जो पढ़ने वाला चार्ट है उस पे वो हमेशा के लिए ख़त्म होती जाती है। और तकरीबन 2 महीने के बाद रेटना सर्जरी से कोई खातर खा अच्छे रिजल्ट नहीं आते, तो मरीज़ जो हैं बहुत सारी जगहों में जाते हैं, उनकी बारी नहीं आती, लिस्टें लंबी होती हैं या डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं होते। अरबों में हमारी ये पॉलिसी है कि जब कोई रेटना का मरीज़ है तो उसको प्रायोरिटी के तौर पे देखा जाए और प्रायोरिटी के तौर पे ही उसका ऑपरेशन शेड्यूल किया जाए। हमारी कोशिश ये होती है कि 2 या 3 दिन के अंदर अंदर उसका ऑपरेशन हो जाए। टू डोनेट प्लीज विजिट www.irvoi.org।